तीखा लगा, वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाए। इसी महीने की 11 अगस्त को सिनेमाघरों में मूवी रिलीज की गई थी गदर 2 और इस मूवी ने रिलीज होते ही सिनेमाघरों में कुछ इस प्रकार गदर मचाई कि इसने सभी पुराने और नए रिकॉर्ड के चीथड़े उड़ाकर रख दिए। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज हुए अब तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है और इस बीच इस मूवी ने कुल 284 करोड़ रुपए की दमदार कमाई कर ली है। मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सनी पाजी की गदर 2 ने पहले 6 दिन लगातार 30 करोड़ से ऊपर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इसी के साथ लगातार 6 दिन 30 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड भी बना डाला था और इसके अलावा और भी कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। और ये हाल तब था जब इस मूवी का क्लैश कराया गया था दो बड़ी मूवी से, जिसमें पहली मूवी थी जेलर और दूसरी मूवी थी OMG 2। OMG ने तो कुछ खास टक्कर नहीं दी, लेकिन बराबरी का आमना सामना था जेलर से। हालांकि कमाई के मामले में जेलर आगे रही है। कमाई के मामले में अब सोचो, अगर ये मूवी ना होती तो सनी पाजी क्या गदर मचाते अपनी मूवी से सिनेमाघरों में। इस मूवी के रिस्पांस को देखते हुए अब मेकर्स ने इसके तीसरे पार्ट की यानी गदर 3 की बात शुरू कर दी है। जी हाँ, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में फिल्म के मेकर्स उत्कर्ष शर्मा और अनिल शर्मा दोनों से ही इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में हैं, जैसे ही हमें अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी हम इसके तीसरे पार्ट की तैयारी शुरू कर देंगे। और इसका एक बड़ा सिंबल ये भी है कि गदर 3 मूवी के एंड में हमें 2 भी कंटिन्यू का सिंबल भी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि एक बार फिर से सनी पाजी हमें दोबारा से सिनेमाघरों में गदर 3 के रूप में गदर मचाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इस मूवी की रिलीज डेट की अगर बात करें तो वो हमें 2025 से लेकर 2030 के बीच में देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी वेट करते हैं मेकर्स की तरफ से इस मूवी को लेकर किए जाने वाले अनाउंसमेंट की, ताकि सभी रूमर्स सच का रूप धारण कर पाएं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस मूवी गदर 3 के लिए, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल AG फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।